अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दर्शन कुमार है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में काम करता हूँ। ये जो वायरस है, पहला बहुत सारे इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं हमें रोज़ाना अपनी बुनियादों पे क्लिनिक्स में कि ये वायरस और आम फ्लू वायरस में क्या तब्दीलियाँ देखी गई हैं। बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि आम वायरस जो हम जैसे ही देखते हैं कि जो वायरस है, नॉर्मली जैसे मौसम की तब्दीली होती है तो आम से हालात में लोगों को बुखार, खांसी, नज़ला, गले में दर्द, दुखन, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, छींकें आना, ये हो जाता है। अल्लाह ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिनसे हम इन वायरस को अगेंस्ट लड़ पाते हैं, लेकिन ये जो वायरस, जो अभी नया वायरस है जिसे हम कोरोना वायरस 2019 नोवल कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं, ये एक कोरोना फैमिली से लिंक करता है। ये सारस फैमिली का वायरस है और ये वायरस आम वायरस फ्लू से थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ दुनिया में आया है और इस वायरस की वजह से कुछ तब्दीलियां जैसे में कुछ ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन बाज़ार देखे जाए अगर इनके हालात में सिम्टम्स वाइज तो दोनों के सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे स्टडीज़ हुई हैं कुछ दिनों में जिनमें ये देखा गया है कि ये वायरस जो कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस है, इसमें मरीज़ों को जो तकलीफ़ें देखी गई हैं ज़्यादा मिकदार में वो है बुखार तेज़ी से रहना और खुश खांसी का रहना, जिसम में थकावट का रहना, सांस का फूलना, चलने से सांस का होना और कभी कभार जो है मोशन के साथ, जिसम में दर्द के साथ, तो पेट में दर्द के साथ, या एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि लोगों को जो है वो सूंघने की सलाहियत में भी तब्दीलियों के साथ ये वायरस प्रेजेंट हुआ है। आम हालात में जो आम इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो मौसम की तब्दीली के दौरान, जो सर्दियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में या खजां के मौसम में आता है, उसमें दो चार दिन में इंसान बेहतर हो जाता है। बहुत सारा दूसरा वो सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये वायरस जो फ्लू वायरस है, क्या अगेंस्ट इस वायरस के अगेंस्ट लोगों को इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हाँ, ये देखा गया है कि लोगों को इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन बगैर ये भी देखा गया है कि जो वायरसेस हैं वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, जिसकी शक्ल तब्दीली की वजह से उनकी इम्यूनिटी का बहुत दिनों तक चलना बहुत ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं, अल्लाह ने हमें इस तरह का निज़ाम दिया है कि जब हमें वायरस लगता है तो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो हमें ज़िंदगी भर के लिए रहती है। जिस तरह से चिकन पॉक्स है, अगर एक दफ़ा ज़िंदगी में चिकन पॉक्स लग जाए तो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो ज़िंदगी भर के लिए रहती है। अब इम्यूनिटी क्या है, कम्यूनिटी उन लोगों को डेवलप होती है और किस तरह से डेवलप हो सकती है। इम्यूनिटी एक कुव्वत मुदाफियत है जो जिस्म में अल्लाह ने हमें इन जरासीमों से बचाने के लिए दी हुई है। इम्यूनिटी को जो है हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो इम्यूनिटी जो हमें पैसिव इम्यूनाइजेशन, जैसे जब हम माँ के पेट में होते हैं तो वहाँ से हमें एंटीबॉडीज़ माँ से बच्चे की तरफ मुंतकिल होती हैं दूध पिलाने के साथ या प्लेसेंटा के दौरान, तो वो नुकसान ना हो बच्चे को, क्योंकि उस वक्त तो बच्चे की अपनी इम्यूनिटी नहीं है। दूसरी इम्यूनिटी जो है वो हम इनेट इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी की कहते हैं, और दूसरी इम्यूनिटी जो है वो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, जो बाहरी मैकेनिज्म होता है, जिस तरह से हमारी चमड़ी है वहाँ से जरासीम अगर कोई टच करेगा तो अंदर नहीं जाएगा, इसी तरह से नाक की तरफ बाल हैं वहाँ से भी सिक्रेशंस हमें उस जरासीम को तोड़ देंगे। हाँ, कुछ जरासीम ख़तरनाक होते हैं तो वो जरासीम पावरफुल होने की वजह से उस पहली डिफेंस पावर को तोड़ के आगे की तरफ जाते हैं, तो अंदर की तरफ कुछ और डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे हम हेल्पर टी सेल्स और बी सेल्स कहते हैं और थायमस सेल्स कहते हैं, जहाँ से ये जरासीम को मारने के लिए कुव्वत मुदाफियत डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अल्लाह ने हमें इम्यूनिटी दी हुई है कि वायरस से हम लग सकें। अभी हम आपसे जैसे बता रहे थे कि लोगों की जो कुव्वत मुदाफियत है उसको डिस्टर्बेंस बहुत सारी वजूहात में होती है, जिस तरह से गुर्दों के खराबी का होना, जिगर के खराबी का होना, शुगर का हो जाना और अंदर से और बीमारियों का जन्म लेना, या उम्र के बढ़ावपन की वजह से बीमारियाँ होती हैं। ये नोवल कोरोना वायरस जो है एक ऐसी फैमिली का वायरस है जिसने हमारे जिस्म को नॉर्मल जो डिफेंस पावर है उसको तोड़ के आगे की तरफ चला जाता है, लेकिन बहुत सारे जो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है वो इसको कोप कर जाते हैं और इसको जो है बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जिन मरीज़ों की इम्यूनिटी पहले से कम है उनको ये तकलीफ़ें ज़्यादा देता है, जैसे सांस की तकलीफ़ों का बढ़ जाना और पेशेंट को नमोनिया हो जाना। अब हम इस इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इम्यूनिटी को अपनी कुछ गिजाइयत की वजह से भी अच्छे तरीके से, कुछ अपनी
आदत की वजह से बढ़ा सकते हैं, जिसमें वर्जिश का अमल को बाकायदगी से रहना, फल फ्रूट का खाना, सारे फल कुदरत की तरफ से जो दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनमें रसदार फल सबसे ज़्यादा अहम रखते हैं, जिनमें रस ज़्यादा है, उनमें विटामिन ए, ई, स्पेनिश है, उनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, तो इनका इस्तेमाल अगर रेगुलर बुनियादों पर किया जाएगा तो उससे हमारी इम्यूनिटी में बूस्टअप रहेगा। साथ साथ हमने दूध दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है, अंडा मछली हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर खाना है, फल फ्रूट का इस्तेमाल के साथ साथ पानी का इस्तेमाल हमने ज़्यादा मकदार में करना है, गोश्त हम अच्छे तरीके से पका के खाएँ और अनबॉयल चीज़ों को ना इस्तेमाल करें। इसी के अलावा हमने हाथों को सफाई, जो हमें नफ्सीमान है, उसको जारी रखना है और हमने अपने चीज़ों को सफाई के साथ जो है उसको इस्तेमाल करना है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलेंगी नहीं। साथ साथ इम्यूनिटी को कौन सी चीज़ें ख़राब कर सकती हैं, जिसमें सिगरेट नोशी को तर्क करने से इम्यूनिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। जो लोग सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं उनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से उनके सांस फूलने की काफ़ियत सांस बहुत ज़्यादा रहता है, उसी की वजह से जरासीम उनको तंग ज़्यादा कर सकता है। अब हम बात कर रहे थे शुगर के मरीज़ों के हवाले से कि जब आइसोलेशन में जाएंगे या वैसे भी उनको क्या करना होगा कि अपनी शुगर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, दवाइयों को पाबंदी से खाना है और इंसुलिन जो तजवीज़ की गई है उसको रेगुलर बुनियादों पे इस्तेमाल करना है और साथ साथ वो एक्सरसाइजेस करते रहेंगे और टारगेट्स को अचीव करेंगे। अगर शुगर कंट्रोल रहेगी तो उनकी जरासीम को लगने के बाद भी उनको बचाया जा सकता है और अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जिसमें जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकती हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, जिससे हम जो है अपनी इम्यूनिटी को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो अगर मरीज़ अपनी गिजाइत बहुत अच्छे तरीके से नहीं खा पाता, क्योंकि उम्र रसीदा लोगों में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि उनकी गिजाइत कम होना शुरू हो जाती है, वो दिन में बहुत ज़्यादा खा नहीं पाते जैसे हम बचपन में खाते रहते, तो उनके लिए फिर हाँ अपने वाले से मशवरा करके कुछ ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स लिए जाएं जिनमें जिंक ए, बी, सी और ई का कंपोनेंट शामिल हो, जिससे इनकी क़ुव्वत मुदाफियत को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ साथ मैं अपनी आखिरी इस वायरस के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने से पहले एक आखिरी वो भी दूंगा कि अब रमज़ान की आमद है, जिसमें रोज़े शुगर के मरीज़ रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मालिज के पास पहले मुआयना करेंगे और उस मालिज के साथ अपनी दवाइयों में थोड़ी सी तब्दीलियाँ करेंगे और साथ साथ कुछ टेस्ट कराएंगे। कुछ वो मरीज़ हैं जिसमें गुर्दे के मरीज़ हैं, जिगर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, वो रोज़ा रखते हुए एहतियात से रखें, क्योंकि उनके ये तकलीफ़ें बढ़ने के चांस हो सकते हैं।